दुर्ग के शिवनाथ नदी के पीछे करीब 40 से 45 एकड़ जमीन पर किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं टाउन कंट्री प्लानिंग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इसके बाद कार्रवाई के अमले ने जेसीबी की मदद से कब्जे को उखाड़ फेंका। दुर्ग निगम सीमा क्षेत्र स्थित शिवनाथ नदी के पीछे करीब 40 से 45 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसके लिए यहां भू माफिया द्वारा मुरम डालकर रास्ता बना लिया गया था, जिसे बुधवार शाम आंधी तूफान और बरसते पानी में जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के अमले ने जेसीबी की मदद से उखाड़ फेंका। गौरतलब है कि इस मामले की शिकायत रेरा में की गई थी। शिकायत के आधार पर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश के बाद दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के मार्गदर्शन में एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध प्लॉटिंग करने वालों ने यहां मुरम बिछाकर सड़क बना रखी थी। इस दौरान शिवनाथ नदी के पीछे अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम पहुंचकर संयुक्त कार्रवाई करती नजर आई। इस दौरान कब्जेधारियों से निपटने एसडीएम मुकेश रावटे, डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव, भवन अधिकारी गिरीश दीवान, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, राजस्व व अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता एवं ग्राम व नगर निवेश विभाग दुर्ग के संयुक्त संचालक व निगम अमले की टीम मौके पर पहुंची और सभी कब्जों को उखाड़ फेंका। मुरम बिछाकर बनाई गई रोड व अन्य को ध्वस्त कर दिया गया। इस अवसर पर निगम के भवन अधिकारी गिरीश दीवान ने बताया कि कार्रवाई के बाद मौके पर एक सूचना बोर्ड भी लगा दिया गया है कि उक्त जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। बता दें, उक्त मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा रायपुर में की गई थी, जिसकी शिकायत की प्रतिलिपि जिला प्रशासन को भेजी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जमीन किसी को भी नहीं बेची गई है। मेनली तो यही है ना, असली में क्या है, अभी पूरे नदी किनारे पे जो हमारा नदी खा जाएगा धीरे से, एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।